हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप सेट जी के क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक, 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और 25 में 20 नंबर ला के दिखाएगा। ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस सेट पूरा देखने के बाद आपके 25-25 तो हो जाएंगे तय। ठीक है, और देखिए मिक्सअप क्वेश्चन है तो कोई भी सबकी क्वेश्चन की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू है इसमें भी, तो आप देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करिएगा। मॉडल स्टडी आपका 14-13 है, 13-14 है, इसके पहले पार्टों को देख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करिएगा। देखिए दिया गया पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। 26 का यहाँ पे सी के नायडू थे। में सी आर आसी मतलब क्रिकेट। अब क्रिकेट के प्रथम आपके कौन हो गए, तो वो आपके सी के नायडू हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, 27 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका पहला पार्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। ठीक है, लाल त्रिकोण जो ऐसे त्रिकोण बनाया है, त्रिकोण उसका किसका प्रतीक है पूछा गया था, तो लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, तो वैसे वह परिवार नियोजन का है। ठीक है, तीसरा पार्ट राइट है। अल अहरम नामक समाचार पत्र किस शहर से प्रकाशित होता है, 29 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चौथा पार्ट है, काहिरा से। येलो बुक किस देश की सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है, येलो बुक मतलब पीली। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन है, तो पहला पार्ट फ्रांस। येलो मतलब क्या होता, पीला। फ्रांस कैसे लिखा जा रहा, पाव लग रहा पी में, पीला। ठीक है, पीली ऐसे थोड़ा याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी पा आ रहा शुरुआत में। नार्वे की संसद को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप स्टोर्टिंग कहते हैं। ठीक है, और ये दिया क्या था, सेंट्रल एक्सटेंट लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है, 32 का यहाँ पे पहला पार्ट है चीन। चीन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। फ्रीडम पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है, 33 का चौथा पार्ट दक्षिण अफ्रीका। झरना कहाँ की समाचार एजेंसी है, 34 का पहला ईरान। झरना देखिए, झरना में भी देखिए रुकिएगा, झरना कहाँ की समाचार समाचार एजेंसी, झरना में रा और ना आ रहा है, ईरान में भी रा और ना आ रहा है, ईरान ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, ईरान ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ये होता है कि कुछ ना कुछ आपकी जीके क्लियर होती है, थोड़ा बहुत आ जाता होगा जीके। ठीक है, चलिए तो धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे आ जाएंगे सब कुछ। ठीक है, कोशिश से ही कुछ होगा। ओपेरा हाउस कहाँ का राष्ट्रीय स्मारक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए जरा, तो 35 का पहला पार्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आ रहा है ओपेरा में। ठीक है, दिया गया है तुर्की का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तुर्की का चांद तारा, ये देखिए आपको रटा होगा पहले से, इसमें कुछ बता नहीं सकता मैं। ठीक है, तुर्की का चांद तारा होता है। ठीक है, तुर्की का चांद तारा होता है। दिया गया है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 37 नंबर का क्या होगा राइट ऑप्शन, तो इसका बताइए जरा, तो 37 का दूसरा नंबर जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग है। ठीक है, इसमें डा आ रहा है और पोलैंड में डा आ रहा है, बात खत्म। इसमें पोलैंड जहाँ ध्यान आ जाएगा और जर्मनी में ध्यान आ जाएगा, मान लीजिए नहीं ध्यान आता आपको जर्मनी, तो पोलैंड एक ही ऑप्शन में तो है, जर्मनी पोलैंड राइट ऑप्शन, हिंडनबर्ग आपका पोलैंड। ठीक है, अब 38 नंबर देखो, ये क्वेश्चन छूटा जा रहा आपका, इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा जाता है, 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन दूसरा है लियोन। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ पहले, देख लीजिए लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, वो लियोन में स्थित है, 38 का बी ऑप्शन राइट है, या दूसरा नंबर कह सकते हो। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाँ ये लिखा देख लीजिएगा, दिख रहा होगा, किस देश के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS का गठन हुआ, 39 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पहला पूर्व सोवियत संघ राइट ऑप्शन है। अब ये दिया गया है विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस कह सकते हो, तो 40 का तीसरा 1 मई को होता है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, 41 का दूसरा मेडीरा। ठीक है, मेडीरा होती है विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी। देश के किस राज्य की जनसंख्या न्यूनतम है, तो इजी है और पता भी होना चाहिए वैसे, तो सिक्किम। ठीक है, मैंने बताया भी था पहले इसके वीडियो में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, ये देखिए चलिए, ये लेपचा निम्न में से किस राज्य की जनजाति है? लेपचा 43 नंबर का दूसरा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया। एक काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकड़ा पारा परियोजना 44 का पहला, ताप्ती। 45 का तो आपका काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 44 का मैंने बताया था ताप्ती पे। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? 45 का दूसरा, अफ्रीका को। और प्रसिद्ध 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो 46 का यहाँ पे आपका चौथा पार लंदन स्थित, लंदन, लंदन राइट ऑप्शन है। ठीक है, और ये 47 नंबर क्वेश्चन है, पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पोलो प्रसिद्ध भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है तो बताइए जरा। 47 का राइट ऑप्शन क्या होगा? चार, पोलो में ये आ रहा चार चार। ठीक है, और ये बृहदेश्वर मंदिर, ये देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में स्थित है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर किस किस शासकों ने बनवाया था बताइए जरा? 48 का चोलों ने बनवाया था। ठीक है, चोल यहाँ पर राइट ऑप्शन है, राजा राज प्रथम चोल ने। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन राइट है। और ये दिया गया छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश कितने महाजनपदों में विभक्त था? 49 का यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट, 16। गौतम बुद्ध के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? 50 का यहाँ पे आपका तीसरा, राहुल नाम था। ठीक है, अगर देखिए सब क्वेश्चन की अपनी अपनी वैल्यू होती है, उसमें भी थी वैल्यू। ठीक है, आप देख भी सकते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे थे। ये तुर्की का राष्ट्रीय, ये भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, चांद तारा। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके पहले पार्टों को ना देखा हो तो देख लीजिए, इसके पहले पार्टों को जरूर देखिएगा, नहीं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले पार्ट अभी ना देखें तो बेकार है, क्योंकि आपकी जो ऐसा होता है कि मैंने आपको लग रहा 15 टोटल 15 अभी हो गए मॉडल सेट। ठीक है, उन 15 को देख लीजिएगा। ठीक है, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, उनको मैंने कलेक्शन बना के रखा था, तभी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। केवल आपको 5-5, 6-6 मिनट के मैंने वीडियो बनाए, 6-7 मिनट के, तो आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, वैसे भी आपके 6-7 नंबर के जीके आएगी। ठीक है।